बरेली में कोरोना से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब शव जलाने के लिए शमशान भूमि पर जगह कम पड़ गई है। तो वहीं शमशान भूमि पर दो मृतकों के परिजनों में आपस में मारपिटाई भी हो गई। कारण था अपने अपने मृतकों के शव दाह संस्कार करने के लिए चुनी हुई जगह का। शमशान भूमि के पंडित त्रिलोकी नाथ ने बताया कि सोमवार को 32 शव दाह संस्कार के लिए आए थे, क्योंकि शमशान भूमि में 33 चिताएं थी जिसकी वजह से सभी भरी हुई थी, जिसके चलते मंगलवार को जमीन पर ही दाह संस्कार किए गए। त्रिलोकी नाथ जी, क्या मामला हुआ आज, क्या बात? मामला ये हुआ था कि एक मृतक है बाबूराम जी, जो उनके घर परिजन आएगा अपने चिता का इंतजाम पहले कर गए थे, उसी दौरान बहुत बॉडी आना भाई, दूसरी बॉडी आ गई जी, उनका नाम था मृतक विकास जौहरी जी, उनने उनकी जो चिता बाबूराम की इंतजाम करके गए थे उस पर चिता पे चिता लगा दी, लकड़ी वगैरह उनकी ले दी, जब वो बॉडी लेके आया तो नाराज हो गए। जानकारी के मुताबिक 19 शव आ चुके थे जबकि अभी दिन बाकी था। शमशान भूमि के सेवक कन्हैया लाल ने बताया कि 17 नंबर पर कालीबाड़ी में रहने वाले मृतक बाबूराम के नाम से कौशल ने जमीन बुक करा रखी थी, जिस पर मठ लक्ष्मीपुर के रहने वाले मृतक विकास जौहरी के परिजनों ने विकास के शव का दाह संस्कार कर दिया, जिसके बाद जब कालीबाड़ी के लोग बाबूराम का शव लेकर शमशान पहुंचे तो वो 22 नंबर पर बाबूराम का दाह संस्कार करने लगे, जबकि वो सानिया में रहने वाले किसी मृतक के लिए बुक था। बाबूराम के परिजनों का कहना था कि जब हमारी बुक की हुई जगह पर दूसरे ने दाह संस्कार कर दिया तो हम भी दूसरी जगह पर ही करेंगे। इसी बात को लेकर दोनों मृतकों के परिजनों से में बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लाठियां चलने लगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो जब हमारे संज्ञान में आया, उस वीडियो की हमने जांच कराई तो पता लगा कि थाना सुभाष नगर में एक शमशान भूमि है, वहाँ पर दाह संस्कार को लेकर एक थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन हो गई थी। हमने उसको जब पता लगाया तो पता लगा कि एक व्यक्ति हैं जो कि कालीबाड़ी थाना 12 तारीख के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिजन वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए लाए थे, उन्होंने चिता का इंतजाम कर रखा था। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो थाना इज्जत नगर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिजन भी वहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाए थे, तो उनकी चिता पर इन्होंने अपना शव रख दिया और दाह संस्कार कर दिया। इसी बात को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो थोड़ी बहस हुई वहाँ पर, मौके पर हो गई, दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया कि कोई विवाद की स्थिति नहीं, कन्फ्यूजन के दम पर बात हो गई। नौबत आ गई मारपिटाई की। सूचना मिलते ही मौके पर मणिनाथ चौकी की पुलिस पहुंची और चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।